राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदना ब्रज जन रंजन यशोदानंदना ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, स्पेशली गौड़ी वैष्णव के लिए, सभी के लिए है, क्योंकि जब ऐसे महान आचार्य जैसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, ऐसे आचार्यों का प्राकट्य अप्राकट्य सिर्फ वैष्णवों का या गौड़ी वैष्णवों का ही नहीं, अपितु सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड का उद्धार करने वाला दिन होता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप दवाई लेते हैं, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन है, लेकिन फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक होता है। अग्नि में हाथ डालते हैं ना जानते हुए भी अग्नि क्या करेगी, लेकिन अग्नि आपको जलाती है। तो वैसे ही कोई ऐसे आचार्यों को समझे ना समझे, लेकिन किसी प्रकार से अगर उनके संपर्क में, चाहे उनके बारे में सुनने से या पढ़ने से, या उनके संपर्क में जो भक्त हैं उनसे संपर्क में आए, तो उसका उद्धार हो जाता है। और ऐसे जो पुण्य तिथियां होती हैं, जैसे आज एक महान दिवस है, तो उस दिवस पे उनके बारे में सुनना तो स्पेशल कृपा मिलती है ना? और जब ऐसे भक्तों का नाम लिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु सुनते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। भगवान कपिल देव कहते हैं अपनी माता देवहूति से कि मेरा नाम लेना और मेरे भक्तों का नाम लेना, दोनों में ही जीवात्मा का उद्धार होता है। तो हम एक श्लोक पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 11 हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण, श्लोक संख्या 22। नमस्कार करीते हो कैला निवेदन, नमस्कार करीते हो कैला निवेदन, शरीर स्वस्थ हय मोर अस्वस्थ बुद्धि मना, शरीर स्वस्थ हय मोर अस्वस्थ बुद्धि मना, नमस्कार करीते हो कैला निवेदन, शरीर स्वस्थ हय मोर अस्वस्थ बुद्धि मना। अनुवाद। हरिदास ने महाप्रभु को नमस्कार किया और उत्तर दिया, मेरा शरीर तो स्वस्थ है किंतु मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। ओम अज्ञान अधिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथांबितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो ऐसे तो हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्तों का नाम लेने से हमारा शुद्धिकरण होता है, लेकिन उनका नाम लेने के लिए जो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो भी तो चाहिए ना। तो आप सभी वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में, स्पेशली हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु, कि आप लोग आशीर्वाद दें तो हम कुछ चर्चा कर पाएं, जिससे होगा क्या, जिससे हमारा ही हृदय शुद्ध होगा। तो महाप्रभु प्राय जो है डेली उनका जो नित्य नियम था कि वो दर्शन लेने जाते जगन्नाथ का सवेरे, ये जगन्नाथपुरी की लीलाओं में। और हरिदास ठाकुर जब आए जगन्नाथपुरी, क्योंकि वो एक यवन परिवार में जन्मे हैं, तो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर ने सोचा मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाऊं, क्योंकि नियम है, आज भी नियम है। तो और हरिदास ठाकुर इतने नम्र हैं, नम्र भाव से वो खुद ही नहीं जाना चाहते। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा या रूप सनातन हरिदास ठाकुर ने किसी ने भी नहीं कहा कि महाप्रभु आपसे हमारा इतना पहचान है, थोड़ा अंदर ले चलो ना हमको। उन्होंने यह नहीं कहा हरिदास ठाकुर ने कि हमारी पहुंच दिल्ली तक है, है ना, थी ना दिल्ली तक पहुंच, तो महाप्रभु तक पहचान है और महाप्रभु आ रहे हैं, इनसे इतना अच्छा जो है संबंध है भगवान का भक्तों के साथ। एक बार भी नहीं कह प्रभु थोड़ा सा साइड में से ऐसे ले जाओ ना छुपा के, हम लोग होते तो जरूर कह देते हैं, अभी भी करते ही है ना, कभी फेस्टिवल है बैरिकेट लगा हुआ है, प्रभु थोड़ा सा मैं आ जाऊं क्या इधर से, नहीं नहीं सीनियर्स का लाइन है, प्रभु थोड़ा सा अंदर ले लो ना। तो हरिदास ठाकुर ने कभी नहीं कहा, और महाप्रभु इनकी नम्रता से इतने प्रसन्न हुए, महाप्रभु ने कहा हरिदास मैं तुमको ऐसा स्थान देता हूं, ये बकुल वृक्ष के नीचे यहाँ पे तुम्हारे लिए कुटीर बनवाते हैं, तुम यहाँ रहो। और अभी तो बिल्डिंग बन गई है, वो बकुल वृक्ष के नीचे भजन करते थे और वहाँ से डायरेक्ट जो दर्शन होता था उनको वो नील चक्र जो 12 फीट है डायमीटर में, जगन्नाथपुरी का जो चक्र है नील चक्र, और जगन्नाथ ने नील चक्र को ये आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मेरा दर्शन करने का लाभ होगा। इसलिए भक्त जब भी आए दूर से मंदिर तो आके प्रणाम करते हैं, लेकिन जब दूर से सुदर्शन भी देख गया तो रोड पे पूरा साष्टांग प्रणाम तो नहीं कर सकते, नहीं तो दो चार गाड़ियां ऊपर से चली जाएगी, कम से कम हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते। महाप्रभु ने किया साष्टांग प्रणाम जब नील चक्र को देखा, तो हरिदास ठाकुर वही नील चक्र को देखते और अपना भजन करते हैं बकुल वृक्ष के नीचे। इतना भजन किए कि उनका भजन सुनने से, उनका नाम सुनने से वो बकुल भी सिद्ध बकुल कहलाने लग गया, सिद्ध हो गया वृक्ष भी। तो महाप्रभु ने सोचा कि इतना नम्र है हमारा भक्त, और भगवान क्या करते हैं भक्तों की सेवा करते हैं, तो महाप्रभु स्वयं डेली जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद महाप्रसाद लाते थे और हरिदास ठाकुर के पास आते थे डेली। हरिदास ठाकुर के पास आके उनको प्रसाद देते थे, उनसे कुछ कथा करते थे, कुछ सुनते थे और फिर अपने दूसरी सेवाओं में जाते थे। तो एक दिन जब गोविंद के हाथों महाप्रसाद भिजवाया, सवेरे आए तो फिर दोपहर में फिर महाप्रसाद भिजवा दिया, तो हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, हुँ?
तो हरिदास ठाकुर ने कहा गोविंद से कि मैं महाप्रसाद नहीं ले सकता क्योंकि मेरा जप पूरा नहीं हुआ है। हमारे भी संस्था में कुछ भक्त हैं जो ऐसा वचन लेते हैं कि जब तक मैं अपना जप पूरा नहीं कर लूँगा 16 माला तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं बहुत अच्छा ये ऐसा डिटर्मिनेशन है कि जब तक 16 माला नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। हरिदास ठाकुर का यही नियम था, जब तक 192 माला जप नहीं होगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। तो फिर गोविंद ने देखा कि कमजोर लग रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। हरिदास ठाकुर ने कहा ऐसे तो मैं प्रसाद नहीं ले सकता क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है, शास्त्रों में लिखा है आप सेवा नहीं करते तो प्रसाद लेने का अधिकार नहीं है, तो मेरा सेवा क्या है 192 माला जप करना 3 लाख नाम तो हुआ नहीं है, लेकिन महाप्रसाद है अनादर भी नहीं कर सकते। तो प्रणाम किए महाप्रसाद को और थोड़ा सा उसमें से लिया। अब ये ट्रिक हमको नहीं लगानी चाहिए है ना, आप एक भक्त को बोल के रखो कि प्रभु देखो मैं जप करने जा रहा हूँ है ना, जप तो 2 घंटा चलेगा, आप क्या करना 1 घंटे बाद आके ना सब प्रभु जी महाप्रसाद है तो फिर तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना, और फिर मैं ले लूंगा बाहर जाके, फिर आप जप करना, फिर मैं दूसरा प्लेट लेके आपके पास आऊंगा प्रभु महाप्रसाद, तो ऐसा पार्टनरशिप मत बनाइएगा। लूप होल्स हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस मत कीजिएगा, वो एक्सेप्शन है। तो फिर हरिदास ठाकुर ने थोड़ा सा प्रसाद लिया और गोविंद चले गए। महाप्रभु को न्यूज पहुंचा कि हरिदास ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाप्रभु अगले दिन आए, पूछे हरिदास क्या हुआ, मैंने सुना ना आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब ये श्लोक बोलते हैं। हरिदास ने महाप्रभु से महाप्रभु को नमस्कार किया और उत्तर दिया, देखो क्या प्रश्न है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या हुआ। तो महाप्रभु क्या पूछ रहे हैं कि आपका शरीर कैसा है, उत्तर क्या देते हैं, शरीर अस्वस्थ है मोरा अस्वस्थ बुद्धि मना, शरीर तो स्वस्थ है महाप्रभु मेरा लेकिन बुद्धि और मन स्वस्थ नहीं है। बुद्धि और मन अस्वस्थ होना मतलब जब बुद्धि कृष्ण कथा में नहीं लगी है, मन कृष्ण के चरणों में या कृष्ण नाम में नहीं लगा है, उसको अस्वस्थ बुद्धि और मन कहते हैं। वो बोल रहे हैं अब 3 लाख नाम जप करने वाला भक्त अगर ऐसा बोले तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। लेकिन वे उनका वो हमको सिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि आगे चल के BBT एक बुक छापेगा चैतन्य चरितामृत उसमें ये लिखा आएगा इसलिए बता देते हैं, ये उनका जेन्युइन ह्यूमिलिटी है, जेन्युइन ह्यूमिलिटी है, कोई ऐसा सोच रहे हैं। तो जितना भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है वो अपने आप को छोटा समझता है, और अगर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं जप करने पे जो वो खरपतवार होते हैं जो वीड्स जो भक्ति लता बीज को नहीं पोषण कर रहा है हमारा श्रवण कीर्तन और दूसरी चीजों को पोषण कर रहा है, वो हमेशा सोचता है कि मैं ही बड़ा हूं। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारी परीक्षा है, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों की परीक्षा थी, युधिष्ठिर जाओ तुम पूरा नगर में सवेरे से शाम तक ढूंढ के लाओ कि तुमसे कोई नीच है क्या, तुमसे कोई छोटा है, और दुर्योधन को कहा जाओ नगर में ढूंढ के लाओ कि तुमसे कोई महान या कोई बड़ा है, तो दोनों का आंसर सेम था। दुर्योधन बोला गुरुदेव मैंने बहुत ढूंढा, टेलीस्कोप से ढूंढा माइक्रोस्कोप से ढूंढा लेकिन मुझसे बड़ा मुझे कोई दिखाई नहीं, करूं क्या मैं, अब आपने असाइनमेंट दिया इसलिए मैं आंसर दे रहा हूं। युधिष्ठिर ने भी कहा कि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझसे अधम मुझसे छोटा कोई मुझे मिला ही नहीं।
तो अगर हमको लगता है कि हम कुछ हैं तो मतलब हम कुछ भी नहीं हैं, और हमको लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं तो भी हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि नहीं तो रहेगा प्रभु जी मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन अंदर रहेगा अब तो मैं बहुत कुछ हो गया। भक्त जब कई बार जप करते हैं, जैसे आज कुछ भक्त मान ले एक्स्ट्रा जप करेंगे तो मन ना लगता नहीं तो फिर क्या करता है, दूसरे को पूछता है प्रभु जी आपका कितना जप हो गया आज, आज तो हम लोग 108 जप करने वाले, आपका कितना हो गया? प्रभु जी मेरा तो अभी तक 60 ही हुआ है। अच्छा कितना अच्छा है ना प्रभु जी, 60 जप हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं। क्यों कितना हुआ तुम्हारा? बस 80 हुआ है अभी तक सिर्फ। तो ये हमारे जपाश्रय कोर्स में हमको बताया जाता है कि किसी से पूछो मत और किसी को बताओ मत, क्योंकि फिर माइंड जो है स्पेकुलेट करने चला जाता है, घूमने चला जाता है। इस अगर ब्रह्मांड में सबसे कठिन कार्य है तो जप को सुनना, इतना आसान नहीं है। कई बार होता है मैं जप करने बैठा और मैं मन को बोलता हूँ देखो अभी जप सुनना है, शास्त्र कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, जब सुनना है मतलब सुनना है, और मैं जब करते जा रहा हूं और मन को प्रीचिंग कर रहा हूं तो सुन कह रहा हूं, फिर मेरे को लगा ये क्या है। देखो मन कैसा अच्छा स्टूडेंट जैसे बन के बैठ जाता है, हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, और जब सुन नहीं रहे तो इतना चीटिंग कर देता है मन हमारा, सुनने नहीं देता। हरिदास ठाकुर वही कहेंगे, तो सिर्फ जप सुनना, प्रभुपाद जी कहते तो है ना कि जस्ट चैंट एंड हियर। एक भक्त आया, प्रभुपाद जी जब मैं जप करता हूं तो मेरा मन इधर उधर भाग जाता है। प्रभुपाद बोले तुम्हारा जप यहां से निकलता है, जीवा से यहां तक जाना है बस, इतने डिस्टेंस में तुम्हारा मन बीच में कैसे आ गया? प्रभुपाद जी इतना ग्राफिकली समझाए कि जीवा से जप निकलना है, कान में जाना है, इतना ही डिस्टेंस है, मन तो वहां है नहीं, कैसे चोरी कर लेता है। तो देखिए मन कितना स्विफ्ट है, कितना तेज है, और बैठा हुआ है वो जैसे डाकू लोग बैठे रहते हैं, या फिर अलग अलग धाम में जाएंगे तो बंदर बैठा रहता है, पता है यहां से आम खरीद के जाएगा इसका थैली छीनूंगा। तो जब को सुनना इतना आसान नहीं है, इससे कम से कम हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने आचार्यों को और भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा करें कि मैं जप को बस सुन पाऊं। हम 16 माला जप करते हैं, 1728 मंत्र होते हैं उसमें, उसमें से एक मंत्र भी सुनेंगे तो हृदय कितना शुद्ध हो जाएगा, जप में टेस्ट आने लगेगा हमको एक मंत्र से। अगर जप में टेस्ट नहीं आ रहा है तो शायद एक मंत्र भी सुनना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। एक मंत्र, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है कि एक हरिनाम से उद्धार हो जाता है, तो एक हरिनाम भी अंदर गया तो टेस्ट आ जाता है, इच्छा होता है अगला सुनने का, और मन को डिफीट हो रहा है। जैसे मैच चल रहा होता है, चाहे मैच क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, कोई भी मैच हो, चाहे कुश्ती का मैच हो, जब आप अपने अपोजिट पार्टी वाले को एक बार बीट कर देते हो तो आपका विश्वास बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसका कम हो जाता है। तो मन जो है उसका ऐसा ही है, जैसे यहाँ पार्टीशन बनाया ना, मैनेजमेंट पार्टीशन बनाया है, तो एक तरफ एक पार्टी है, दूसरे तरफ, यहाँ तो दोनों पार्टी एक साथ है, लेकिन आप जैसे ही पुश करते हो वो थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन मन के साथ ऐसा भी नहीं है ना, मन के पास इतने आइडियाज हैं कि आपको कन्विंस कर देगा कि आप सही हो। कभी कभी मन आपको बोलेगा प्रभु कितना अच्छा जप कर रहे हो, अच्छा है करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और आप 16 माला बाद उठेंगे कुछ पता ही नहीं पड़ा जप किधर गया, क्योंकि आपने जप सुना नहीं। तो ये मन जो है अस्वस्थ है हमारा, हमको भटकाने का काम करता है। महाप्रभु कहते हैं कि तुमको पता है, डायग्नोसिस किया क्या, क्या तुम बता सकते हो तुम्हारा रोग क्या है?
क्यों ऐसा हो रहा है? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, मेरा रोग यह है कि मैं अपना जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूं। यानी जो मेरा 192 माला का 3 लाख नाम जप करने का जो मेरा नंबर था, संख्या, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जो मैंने प्रण लिया था कि मैं 192 माला रोज जप करूंगा, वो नहीं हो पा रहा है। सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा मन और मेरा बुद्धि अस्वस्थ है। अब हरिदास ठाकुर का उम्र सोचिए क्या होगा, महाप्रभु के पहले प्रकट हुए थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर से कि हरिदास, अब तुम वृद्ध हो गए हो, और सिर्फ वृद्ध नहीं, तुम सिद्ध हो गए हो। तुम ऑलरेडी यहां से निकल गए, तुम्हारा अवतार हुआ ही था प्रचार करने के लिए, और तुमने नाम का बहुत अच्छा प्रचार किया। तो अब आप क्या करो हरिदास, कि आप अपने जप संख्या को कम कर दो। कहते हैं आप अपने जप संख्या को कम कर दो। हमको मिला क्या वैसा प्रपोजल? वेट कर रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं। तो भक्तों में भी ऐसे दृढ़ भक्त होते हैं, परम पूज्य जयप्रताप महाराज, उनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इतना बड़ा। तो उस समय महाराज बाह्य दृष्टि से, आंतरिक तो ये सब लोग हमेशा हरिनाम में रहते हैं, बाह्य दृष्टि से जप नहीं कर पाए। तो उनके असिस्टेंट बता रहे थे, बाद में जब महाराज स्वस्थ हुए, हॉस्पिटल में ही थे लेकिन अब थोड़ा ठीक हो गए, तो महाराज ने कैलकुलेट किया था कि मेरा 900 माला बाकी है, और महाराज ने 1400 माला किया, 500 एक्स्ट्रा छूट गया था ना, वो तो किया ही, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा 500 माला जप किया। ये दृढ़ता है बाह्य दृष्टि से, अंदर से वो हमेशा हमेशा हरि नाम में लगे हुए हैं। तो हमें दृढ़ता होना चाहिए कि हमें इतना जप करना है, और प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी डिसाइपल इज टू कंप्लीट द 16 राउंड्स, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे गुरु हमें बहुत सारे उपदेश देते हैं जो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला क्या करना है, अपने जो 16 माला है उसको पूरा करना है। कुछ पुजारी ऐसे भी हैं जो 1:30 बजे उठ के 2 से 3:30 तक अपना माला पूरा कर लेते हैं, फिर मंगल आरती ऑल्टर पे जाते हैं, लेकिन फिर भी चलो अभी इतना नहीं हो पाता, कहीं कहीं मंदिरों में कम भक्त हैं तो रात को 10 बजे तक भी उन्हीं को सेवा करना है, भगवान को शयन कराना है, तो फिर थोड़ा ले उनका लिए अलग डिस्काउंट है। लेकिन बाकी भक्तों के लिए, सबके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम जप कर लें। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में 4th श्लोक है, मंगलाचरण के बाद 4th श्लोक बताते हैं, वेदव्यास जी लिखते हैं कि जो भक्त थे नैमिषारण्य में, वो सब अपना मॉर्निंग ड्यूटी पूरा किए और फिर आए चर्चा करने के लिए कि क्या करना है कलयुग के लिए। श्लोक में है कि मॉर्निंग ड्यूटी उन्होंने अपना पूरा किया। मॉर्निंग ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि नहाना धोना। प्रभुपाद जी पहला लाइन पर पढ़ का लिखते हैं, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो मतलब अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद हमें कुछ चर्चा करना चाहिए, कुछ जो भी डिस्कशन करना है। तो कितना इंपॉर्टेंस शास्त्रों में दिया गया है इस मॉर्निंग टाइम को। तो अगर सवेरे हम जप करते हैं
तो बहुत अच्छा है। प्रभुपाद कहते हैं हमने अपने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में 16 माला का न्यूनतम कम से कम नाम जप निर्धारित कर रखा है, जिससे पाश्चात्यवासी अपने आप को बोझल अनुभव न करें। पाश्चात्य भक्तों के लिए प्रभुपाद ने 16 माला किया, पहले तो 64 माला चालू किए थे। 64 माला चालू किए तो भक्तों ने एक दो दिन जप किया, हुआ नहीं तो आए बोले स्वामी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। प्रभुपाद बोले ओके 32, तुरंत 50% डिस्काउंट दे के 32 करो। 32 करने के वो भी नहीं हुआ, फिर आए प्रभुपाद के बाद बोले स्वामी वी कैन नॉट चैंट। तो प्रभुपाद बोले ओके 16 नो लेस, ठीक है 16 माला जप करो लेकिन उससे नीचे नहीं जाना। महाराज बताते हैं कि उनको कुछ भक्तों ने एक्चुअली अप्रोच किया कि प्रभुपाद जी ने तो 64 माला से 16 माला पे लाया, तो आप भी गुरु हैं आप 16 से और कुछ नहीं कर सकते नीचे। महाराज बोले नहीं कर सकते, प्रभुपाद ने जो स्थापित कर दिया वो चलता रहेगा, नहीं तो 4 पे आ जाएगा, 4 से फिर 1 पे आ जाएगा। फिर महाप्रभु कहते हैं कि तुम अपना जब कम कर सकते हो, इतनी कठोरता से नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है हरिदास। ये महाप्रभु का वचन सबके लिए नहीं है, प्रभु ने कहा है सारे संसार को वही तो पालन करना है जो महाप्रभु ने कह दिया, वही धर्म हो गया। लेकिन ये हरिदास ठाकुर के लिए है या जो उस स्थिति पे हो उसके लिए। कई बार हम प्रभुपाद के वचनों को लेके या भगवान के वचनों को लेके ट्विस्ट कर दे हैं, तो ये सिर्फ हरिदास ठाकुर के लिए कहा गया। जैसे सनातन गोस्वामी डेली परिक्रमा करते, जब वृद्ध हो गए नहीं कर पा रहे थे तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने वो गोवर्धन शिला दिया। डेली परिक्रमा करना, सोचिए कुछ डिवोटीज हैं जो करते हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं कि इस अवतार में आपका भूमिका जो था वो था नाम का प्रचार करने का, वो आपने कर लिया, इसीलिए अब हरे कृष्ण जप का संख्या आप कम करो। लेकिन हरिदास ठाकुर जप कम कराने के लिए मूड में नहीं थे, उनका प्लान कुछ और था। कहते हैं प्रभु मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। महाप्रभु कहते पूछो। बोले देखिए कि मुझे पता है आप अब अपना लीला समाप्ति की ओर जा रहे हैं, ऑलरेडी अंतर लीला। बोले अब आप लीला समाप्त करने वाले हो, ये प्रकट लीला आपका खत्म होने वाला है, आप अप्रकट हो जाओगे बहुत जल्दी, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके बाद, आपके जाने के बाद जीवित रहूं। ये भाव था उनका कि मैं पहले जाना चाहता हूं, मैं नहीं देख सकता, तो इसीलिए मुझ पे आप कृपा करें। तो महाप्रभु कुछ कहे नहीं, लेकिन हरिदास ठाकुर समझे, हो सकता है महाप्रभु कहे हरिदास ऐसे कैसे। तो बोले देखिए प्रभु, एक चींटी अगर मृत्यु हो जाए, एक चींटी का मृत्यु हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड में क्या नुकसान होगा बताओ, मैं इतना तुच्छ जीव हूं, मेरे जाने से क्या नुकसान होगा। महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुम्हारे संग की आवश्यकता है हमें। बोले महाप्रभु आपके पास इतने भक्त हैं, मेरे से क्या होगा। तो आपने तो वैसे ही मेरा जो है बहुत भला किया, मैं निम्न परिवार में जन्म हुआ, मांस खाने वाले परिवार में, यवन परिवार में, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपना बनाया। मैं मुझे तो कोई देख ले तो उसका पुण्य नष्ट हो जाए, मुझे कोई छू ले तो उसका पुण्य कितना नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपने मुझे स्वीकृत किया। महाप्रभु का ये गुण बता रहे हैं, तो अब मुझे जाने दीजिए।
महाप्रभु कुछ नहीं कहे और बोले कि कल आऊँगा मैं, और वहाँ से चले गए। उनका दोपहर का समय हो गया था, दोपहर को उनकी दूसरी सेवाएं थी, महाप्रभु वहाँ से चले गए, नहा धो के निकल गए। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को लेकर हरिदास ठाकुर के पास आए। वैसे अकेले आते थे, सब भक्तों को लेकर आ गए, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सब भक्त आ गए, बकरेश्वर पंडित। और महाप्रभु पूछे कि क्या इच्छा है तुम्हारा, तो कहते हैं कि प्रभु बस आपका ये सुंदर मुखमंडल देखते हुए, आपके चरण को अपने हृदय पे धारण किए और अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य कहते हुए मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूं। बहुत अच्छा भाव है। तो महाप्रभु भक्तों को इशारा किया और कीर्तन चालू हुआ, और कीर्तन तो ऐसा उन्नत कीर्तन हुआ, उन्मत्त पूरा कीर्तन हो गया। बकरेश्वर पंडित नाच रहे थे, बहुत कीर्तन हुआ, महाप्रभु स्वयं नृत्य कर रहे थे, सारे भक्त कीर्तन करते करते हरिनाम लेते लेते इतना उद्दंड हो गया जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में हरिनाम फैल गया है, इतना कीर्तन हुआ। और फिर हरिदास ठाकुर, क्योंकि उम्र हो गई थी तो वो तो खड़े नहीं हुए थे, लगभग लेटे हुए थे, और उनके चारों तरफ सारे भक्त कीर्तन करने लग गए। जैसे तैसे हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु का हाथ पकड़ के उनको बैठाया और कीर्तन चल रहा है। महाप्रभु भी हरिदास ठाकुर का इच्छा पूरा करना चाहते थे। और फिर पहले तो जब सारे भक्त कीर्तन कर रहे थे, हरिदास ठाकुर जो भाव में थे, आप सोच सकते हैं कि हरिनामाचार्य हरिदास ठाकुर पूरे भाव में आ गए और सब भक्तों के चरणों का धूलि अपने सर पे ले रहे हैं। देखने में तो सबसे वरिष्ठ हैं, और कहते भी हैं महाप्रभु आपने तो मुझे श्राद्ध का जो प्रसाद है वो भी खिलवा दिया था। अद्वैत आचार्य ये बात भी समझने की है, अद्वैत आचार्य अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे और जो भगवान को प्रसाद, भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है, पहला प्रसाद ब्राह्मण को दिया जाता है, लेकिन पहला प्रसाद किसको दिया अद्वैत आचार्य ने? हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर ने कहा ये क्या कर रहे हो, हाँ? आपको ब्राह्मण समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। अद्वैत आचार्य ने बोला जो होना है होने दो, आपको खिलाना 10 लाख ब्राह्मणों खिलाने बराबर है, आप पहले पाइए। तो मतलब भगवान ने भी भेदभाव नहीं किया, भगवान के भक्त भी भेदभाव नहीं करते। तो कहते हैं महाप्रभु को हरिदास ठाकुर के आपने मुझे इतना तक दिया, तो सब भक्तों का चरण धूलि ले रहे हरिदास ठाकुर, और महाप्रभु को बैठाए और महाप्रभु बैठे। अब महाप्रभु का चरण अपने हृदय पे धारण किया, जैसा उनका इच्छा था महाप्रभु पूरा किए, चरण रखे उनके वक्षस्थल पे और सुंदर मुखमंडल चैतन्य महाप्रभु का हरिदास ठाकुर देखते हुए आज के दिन पे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य जप करते हुए वो इस संसार से अपने जो उनका इटर्नल गंतव्य है वहां चले, महाप्रभु के नित्य लीला में शामिल हुए। कोई भी भक्त जप करता था तो महाप्रभु कहते थे हरिनाम का जप, मेरा नाम मत लो, लेकिन यहां पे अलाउ के हरिदास ठाकुर को। तो हरिदास ठाकुर आज के दिन
उन्होंने ऐसा अपना शरीर छोड़ा और महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए। क्यों? भक्त गया, लेकिन भक्त कहां गया? भगवत धाम को गया। शास्त्रों में जो संबंध ज्ञान है वो लगभग 70 या 75% है पूरे शास्त्रों में, और 20-25% जो होता है अभिध्येय होता है, और प्रयोजन तो 3-5%। आप देखिए सनातन शिक्षा जो संबंध के बारे में महाप्रभु बता रहे, 5 चैप्टर है, और जो अभिधेय के बारे में बता रहे रूप शिक्षा, वो 1 चैप्टर हो गया। रूप गोस्वामी को 10 दिन का शिक्षा, सनातन गोस्वामी को 2 महीने का शिक्षा। तो कहीं भी शास्त्रों में संबंध ज्यादा है, क्योंकि इस संसार में क्या चाहिए महाप्रभु वो देते हैं, भगवान क्या भेजाते हैं जो जरूरत है, कस्टमाइज्ड करके दे रहे हैं हमारे लिए। हमको तो संबंध ही नहीं पता, हमको सिर्फ एक ही संबंध पता है, ये शरीर का ही संसार से संबंध। लेकिन ये पता लगाना कि हम आत्मा हैं और आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, वही शास्त्रों में सबसे ज्यादा है। क्योंकि एक बार संबंध स्थापित हो गया, पता पड़ गया, तो हम अपने आप पूछेंगे। आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है, आप उस मेहमान को सामने बैठाते हो और आप एक कुर्सी पर बैठ जाते हो, उसको देखते रहते हो, वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, वो भी कुछ सोच रहा है, देखेगा कि कुछ खिलाएगा पिलाएगा, आप देख रहे हो। तो योगी लोग ऐसे ही करते हैं। योगी लोग क्या करते हैं, पहुंच भी गए हजारों हजारों सालों का योग करने के बाद, तपस्या करने के बाद, भगवान को अपने हृदय में देखते हैं और देखते ही रहते हैं। लेकिन इस कौन में देखो, प्रभुपाद क्या किए, एक नया व्यक्ति आ गया, उसके हाथ में टेंपल कमांडर झाड़ू देता है, झाड़ू लगाओ। भगवान को देखने से ज्यादा बड़ा हो गया भगवान का सेवा करना। तो आप कुछ सेवा करते हैं, तो जैसे ही संबंध पता पड़ जाएगा आप सेवा करेंगे, तो अभिधेय वो है। और प्रयोजन सबसे कम इसीलिए है क्योंकि अभिधेय करोगे तो प्रयोजन तो आपको अपने आप मिल जाएगा। तो ये चैप्टर जो है चेतन चिंतामृत में सबसे छोटा चैप्टर है, 103 श्लोक है सिर्फ, नहीं तो 200, 300, 350 श्लोक ऐसे हैं, ये सबसे छोटा चैप्टर है। महाप्रभु ने ये तो सिखा दिया कि जीव का संबंध क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। महाप्रभु ने यह भी सिखा दिया अपने भक्तों को, भक्तों से कहा भी, महाप्रभु ने अपने जीवन से सिखाया और भक्तों के जीवन से प्रकट कराया कि भक्ति कैसे करनी है, सेवा कैसे करनी है भगवान की, क्या भाव होना चाहिए हमारा। लेकिन मान लीजिए कोई पूछे, इतना चेतन चेतामृत पढ़े, इतना किया, लेकिन करने के बाद क्या मिलेगा, उसका चर्चा नहीं हुआ, तो ये उसी का चर्चा है। जीवन भर भक्ति करने के बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा जो हरिदास ठाकुर के द्वारा भगवान ने दिखाया हमको। कई बार जब हमारा उद्देश्य बहुत ऊंचा रहता है और दूर रहता है तो हतोत्साहित हो जाते हैं हम, कि अरे इतना शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति कैसे होगा, नहीं होगा हमसे, तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और कैजुअल भी नहीं हो जाना चाहिए दूसरे तरफ से। हाँ ठीक है, मिल जाएगा, प्रेम भक्ति ना, मिल जाएगा। हाँ ये तो बोल तो ऐसे रहते हैं जैसे यहाँ पे क्या स्टेशन है, जैसे मान लो आपको दिल्ली से फरीदाबाद जाना हो, बस ये आ गया, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। हम लोग बॉम्बे में बोलते हैं एक लोकल स्टेशन से दूसरे लोकल स्टेशन, कई बार इस्कॉन में भक्त हो जाते हैं, प्रेम भक्ति ना, हो गया और क्या। तो दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, बैलेंस्ड, कि लक्ष्य ऊंचा है लेकिन वही प्राप्त करना है, किसी और चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर हम क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज कर देते, तो इसीलिए थोड़ा सा जिद्दी होना चाहिए, यही निश्चय है ना, दृढ़ता, उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो निश्चय होना चाहिए कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, और सिर्फ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है निश्चय लेके दरवाजे पर बैठ के मूंगफली नहीं खाना है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा।
प्राप्त करना, प्राप्त करना। एक भक्त है उससे मैं पूरा कि अच्छे से सिंसियरली भक्ति करो, भगवत धाम जाओ। बोले प्रभु जी इस जन्म में ना मुझे शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए, सामने से बोलता है मुझे इस जन्म में शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए, अभी रहना है मुझे थोड़ा यहाँ पे, मुझे इतना जल्दी जाना नहीं है। हाँ, तब क्या करे, उसकी ईमानदारी का ताली बजाए उसकी ईमानदारी के लिए, हाँ, या उसकी मूर्खता के लिए उसको दो चार लेक्चर सुना दे। हाँ, ये ईमानदारी नहीं है कि मैं अभी नहीं जाना चाहता भगवत धाम, अभी मैं रहना चाहता हूँ। जितना कलयुग बढ़ता जाएगा उतना परेशानी बढ़ता जाएगा। और देखिए भक्तों का संग मिलना वैसे ही बहुत विरले है, और उसके ऊपर से ये आ गया, भक्तों से भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है। आप जाके देखिए जो मंदिर में रह रहे हैं या जो मंदिर आप आ रहे हैं वो स्पेशल है, वो भक्त जो घर में बैठे हैं ऑनलाइन संग, भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है, जो लाइव होता है वो अलग होता है ना, आके दर्शन करना, भक्तों को मिलना, सेवा करना, नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो कलयुग में तो ये बढ़ता रहेगा, तो क्यों हम रुकना चाहते हैं यहां पे, ये तो कुछ मिलने नहीं वाला है। आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ माया देवी प्रॉमिस की और देगी। माया क्या करती है, हमारे हृदय में आशा जगाती है कि ये मिलेगा। मिलता किसी को नहीं है, हिरण्यकश्यप को मिला, इतना तपस्या किया, इतना तपस्या, ब्रह्मा जी बोले ना भूतो न भविष्यति, न ऐसा किसी ने किया है तपस्या, ना कोई कर पाएगा भविष्य में, क्या मिला उसको। अरे जो मिला 5 साल के बच्चे ने थोड़ा हरे कृष्ण जप करके सब छीन लिया ना। प्रहलाद ने क्या तपस्या किया, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप किया, दो चार अपने क्लासमेट को प्रचार कर दिया, और नरसिंह देव आए हिरण्यकश्यप को उठाए वहां से और प्रहलाद को बैठा दिया। तो इस संसार में माया क्या करती है, सिर्फ हमको एक हमारे हृदय में आशा जगाती है कि मिलने वाला है, और जैसे ही आप पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इस भौतिक संसार से कि कुछ नहीं मिल रहा है, वो और बार 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 आके बोलती रहती है माया देवी, मिलने वाला है, मिलने वाला है, आज तक कुछ नहीं मिला, मैं जा रहा हूं इस्कॉन। और जैसे ही घर से निकलेंगे इस्कॉन आने के लिए, हाँ, तो रास्ते में एक कुकी मिल जाएगा, माया देवी बोलेगी चलो इसको थोड़ा दे देते, नहीं तो भाग जाएगा, और फिर फंस जाता है जीव संसार में, और फिर वही आशा जागृत हो जाती है। तो संसार ऐसे ही है, यहां कुछ न मिला है न मिलने वाला है, हम भी उसी में फंसे हैं, लेकिन कम से कम थ्योरेटिकली ये समझ जाओ कुछ मिलने नहीं वाला तो प्रयास कर पाएंगे। तो महाप्रभु इनको ये कृपा दी हरिदास ठाकुर को, और जैसे ही हरिदास ठाकुर अपना शरीर छोड़े, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। क्यों, महाप्रभु के पूरा इधर अवतरित होने का जो लक्ष्य था वो पूरा करके दिखाया महाप्रभु ने, कि मेरा लक्ष्य क्या है, जीवात्माओं को वापस भेजना। और तो कुछ कार्य है महाप्रभु का यहाँ पे, कुछ भी नहीं, भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे, उनके वैकुंठ में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है, तो कुछ यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेने आए हैं, देखने आए हैं, चलो भाई आ जाओ, मेरा वैकुंठ में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी यूनियन बना के, मेरे को कुछ वर्कर चाहिए, आ जाओ चलो, इसलिए तो आए नहीं। तो उनका नित्य लीला चल रहा है, वो जहां जाएंगे नित्य लीला करेंगे, यहाँ पे आते ही क्यों है, हमारे लिए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को 9वें स्कंद में, 9वें स्कंद का 8वां या 9वां अध्याय में 61 या 62 नंबर श्लोक में वो बताते हैं कि जो ये भागवतम है ये कलयुग के जीवों के लिए बना है, तभी ना जस्ट कलयुग चालू होने से पहले भागवतम और भगवद्गीता दिया गया,
क्योंकि कलयुग के जीव कुछ नहीं जानते, इसलिए उनको देना पड़ता है। भागवतम तो हर कोई रिलीज करता है, सभी युगों में परमहंस संहिता है, लेकिन स्पेशली हम पर कृपा किया है भगवान ने, क्यों? हमारा उद्धार हो जाए, क्योंकि हमारा स्थान नहीं है ये रहने का। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं कि भक्ति करके क्या मिलेगा आपको, तो ये दिखाया उन्होंने इस उदाहरण से। फिर जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा तो महाप्रभु इतने आवेश में थे, भक्त प्रेम के आवेश में। एक होता है भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, महाप्रभु भक्त प्रेम के आवेश में आ गए, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। एक परस्पर जो है ना, एक कंपटीशन चलता रहता है भक्तों में और भगवान में। भगवान बोलते हैं मैं भक्त की सेवा करूंगा, भक्त बोलते हैं मैं भगवान की सेवा करूंगा, दोनों में कंपटीशन ये नित्य शाश्वत रूप से चला आ रहा है। तो अब भगवान बोलते हैं मैं सेवा करूंगा हरिदास का। हरिदास ठाकुर के इस दिव्य शरीर को उठाते हैं और महाप्रभु कीर्तन करते हैं। ये सब आपको पता है, हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर सिद्ध बकुल कहां पे है, ये सब वहां पे हो रहा है। और फिर महाप्रभु ने सोचा कि चलो यहां तो अभी पूरा नहीं हुआ ना, अभी तो संसार को और भी दिखाना है। तो बहुत अच्छा एक जैसे एक एयरप्लेन जैसा एक ऐसा बनाया गया, उसमें हरिदास ठाकुर का शरीर को लेके भक्त लोग आ रहे थे समंदर की तरफ, जहाँ पे हरिदास ठाकुर का समाधि स्थली है। और महाप्रभु सबसे आगे नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए आते जा रहे थे। जैसे ही वहां पहुंचे, महाप्रभु ने फिर हरिदास ठाकुर का जो है शरीर लेके और समंदर में नहलाया। जगन्नाथपुरी का जो धाम है वो 60% जमीन पे है और 40% समुंदर है। शंख चक्र गदा पद्म उड़ीसा इसी में बना, उड़ीसा के जो चार क्षेत्र हैं, भुवनेश्वर है, कटक है, तो उसमें से जगन्नाथपुरी शंख शेप में है, उसमें से 60% भूमि पे है, ऑलरेडी 40% जो है वो समंदर। तो ऑलरेडी वो धाम है, नित्य धाम। लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं कि बड़ा पानी, समुंदर को लोग बड़ा पानी कहते। महाप्रभु ने जब नहलाया हरिदास ठाकुर को तो कहे कि आज से ये समंदर जो है ये तीर्थ बन गया, क्योंकि हरिदास ठाकुर का दिव्य शरीर को स्पर्श किया और सारे भक्तों ने वहां का पानी पिया। हरिदास ठाकुर के नहाने के बाद सारे भक्तों ने पानी पिया और महाप्रभु लेके आए हरिदास के शरीर को, और वहां पे एक समुंदर किनारे एक गड्ढा बनाया गया और सब भक्त उससे पहले आए, सबने हरिदास ठाकुर का परिक्रमा किया और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया। और जब ये हरिदास ठाकुर ने जैसे शरीर छोड़ा, सभी भक्तों को एक ही स्मरण हुआ कि ऐसा तो भीष्म देव ने किया था। भीष्म देव को इच्छा मृत्यु का वरदान, रुके हुए थे। महाभारत युद्ध के बाद भी क्यों रुके हुए? क्योंकि वो देखना चाहते थे। कृष्ण ने यही तो कहा, कृष्ण ही परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर के अंदर बैठे हुए बोल रहे हैं कि किसी का नहीं सुनना है तुमको, सब लोग समझाने का कोशिश करेंगे, कृष्ण भी समझाने का कोशिश करेंगे, नहीं सुनना है। वही कृष्ण परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर को समझने नहीं दे रहे हैं। जब महाराज युधिष्ठिर को ये ग्लानी हो रही थी कि मेरे कारण ये सब हुआ है, तो बहुत ने प्रयास किया समझाने का, वेदव्यास भी आए थे, कृष्ण समझाए, युधिष्ठिर किसी के नहीं समझ रहे थे, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे। कृष्ण का कुछ और प्लान था, एक तो भीष्म को ये देखना दिखाना चाहते थे, क्यों भीष्म का इच्छा था देखना कि पांच पांडव जो हैं ये राज सिंहासन पे बैठे। तो इसीलिए जब मिलने जाते हैं, कृष्ण बोलते हैं पांडवों को कि राज भेष में चलो, और वहां पे मिलते हैं और प्रश्न पूछते हैं
तो भीष्मदेव बोलते हैं कृष्ण से कि प्रभु मैं, युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न पूछ रहा है और आप कह रहे हो, आप ही लेके आए हो, आप कह रहे हो कि मैं कहूं, लेकिन ये जो अर्जुन के बाण है ना, इसके कारण मेरा जो शरीर को पीड़ा हो रही है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुमको वरदान देता हूं, कोई पीड़ा नहीं होगी और सब स्वस्थ रहेगा। तो बाण के शैया पे ही लेटे थे, 50 दिन का उपदेश किया उन्होंने पांडवों को, लेकिन पीड़ा नहीं हुआ भगवान के अरेंजमेंट से। जो उपदेश हो गया, अब कहते हैं भगवान से, हे प्रभु अब मैं जाना चाहता हूं। तो भगवान उनके सामने आ गए, क्योंकि लेटे हुए थे भीष्मदेव, सामने से आए और चतुर्भुज नारायण का दर्शन उनको कराया, क्योंकि वही इष्ट देव है भीष्मदेव के। और वो देखते हुए भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करते हुए भीष्मदेव चले गए। और ऐसे ही सेम हरिदास ठाकुर के साथ, तो यहां पे फिर जब समाधि देने का समय आया तो गड्ढा बनाया गया और हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को समाधि दी गई। पहले तो नहलाने के बाद जो चंदन है, जगन्नाथ भगवान का चंदन महाप्रसाद, वो लगाया गया। और फिर समाधि देने से, यानी जो ढकने से पहले, बहुत सारा महाप्रसाद, इसमें पूरा वर्णन है। महाप्रसाद मतलब जैसे जगन्नाथ के वस्त्र, जगन्नाथ का ये सब महाप्रसाद जो है अंदर डाल के, और महाप्रभु स्वयं आके पहली बार जो है, पहला उन्होंने ऐसा अंदर मिट्टी डाला, बालू डाला, बड़ा जोर से कीर्तन चल रहा था। तो आप सोचिए, महाप्रभु स्वयं ये सब कर रहे हैं अपने भक्त के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी भागवतम के 8वें स्कंद में कहते हैं कि जितना हम भगवत धाम जाने के लिए उत्सुक हैं, उससे कहीं ज्यादा भगवान हमको अपने धाम बुलाने के उत्सुक हैं। हम तो कभी कभी भूल जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, लेकिन कृष्णा इज नेवर लेजी टू टेक अस बैक टू गॉड हेड। कृष्णा उत्साहित रहते हैं हमेशा, वो मौका ढूंढते रहते हैं कि कब मैं इस जीव को बाहर खींचूं। तो महाप्रभु वो दिखाए, और फिर चैतन्य महाप्रभु समाधि पूरी होने के बाद तुरंत महाप्रभु ने कहा, ये समाधि के एरिया को प्रोटेक्ट कर दो, फेंसिंग करवा दो। तुरंत फेंसिंग कुछ लगा दिया, आज भी वो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ अच्छा मंदिर है और समाधि के सामने इस्कॉन मंदिर भी है, भक्ति कोटी। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते स्वर्गद्वार तक, स्वर्गद्वार में कीर्तन कर रहे थे, वहाँ पर कीर्तन करते करते जितने भी व्यापारी थे, जो कुछ बेचने, सबको बोल रहे हैं कि आज मेरे हरिदास का जो है, आज मेरा हरिदास जो है वो भगवत धाम को लौटा है और बहुत बड़ा फीस्ट होगा। तो महाप्रभु स्वयं अपना झोली फैला के सबसे मांग रहे हैं, और जितने भी दुकानदार थे, व्यापारी थे, सब ने पूरा सब देना चालू किया। महाप्रभु स्वयं भिक्षा मांग रहे अपने भक्त के लिए। भगवान हर लीला में अपने भक्तों के लिए भगवान ने भिक्षा मांगी है। भगवान वामन देव, अभी वामन द्वादशी थी, कहा जाता है कि भिक्षा अपने लिए कभी नहीं मांगनी चाहिए, हमेशा दूसरे के लिए मांगना चाहिए कुछ। इसीलिए साधु संन्यासी भी भिक्षा मांगते हैं तो वो दो लोगों के लिए मांगते हैं, एक भगवान को देना है। क्यों देना है? भगवान को कमी है? नहीं, ये दूसरे का उद्धार करने के लिए, जो भिक्षा दे रहा है उसका उद्धार करने के लिए भिक्षा मांगते हैं साधु लोग। सबसे जो उच्च कोटि के समाज में हैं, जो सन्यासी हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, सिर्फ इन्हीं का अधिकार है भिक्षा मांगने का। क्योंकि जब आप भिक्षा देते हैं तो ये आपका कर्म को काट देते हैं। तो यहां पे भगवान वामन देव किसके लिए भिक्षा मांगने आए? देवताओं के लिए। और बलि का कर्म काटा कि नहीं? देवताओं को जितना नहीं मिला, बलि महाराज को उससे कहीं ज्यादा मिला। बलि महाराज को आध्यात्मिक मिला, देवताओं को भौतिक मिला। जैसे वृत्रासुर कथा में
क्या मिला इंद्र को? वृत्रासुर खुद कहते हैं इंद्र को, ओ तो बड़ा सुंदर वहां पे जो स्पीच दिया है वृत्रासुर ने, बोले इंद्र तुमको यही मुबारक, तुमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में ही रहोगे, लेकिन तुम जानते हो मुझे क्या मिलेगा। ऐसे ना दो भाई लड़ रहे हैं और एक खिलौने के लिए, और फिर एक भाई बोलता है ले ले एक खिलौना, जा खेल इससे जाके। पता है मुझे क्या मिलेगा, ये तो नकली एयरप्लेन है ना, चाबी से घुमाओ ऐसे घूमता है, तुमको ये दे दिया ना, अब पप्पा मेरे को असली वाले एयरप्लेन में घुमाने ले जाएंगे। वृत्रासुर को वही दिया पिताजी ने, भगवान तो सबके पिता है, कहाँ ले गए? वैकुंठ ले गए। तो भगवान दूसरों के लिए मांगते हैं, तो यहां पे भी भगवान चैतन्य महाप्रभु भिक्षा मांग रहे हैं अपने भक्तों के लिए। स्वरूप दामोदर आए, उन्होंने महाप्रभु को रोका, बोले आप नहा के आइए, मैं करता हूं। और फिर स्वरूप दामोदर ने सभी व्यापारियों को बोला चार चार मुट्ठी सभी वैरायटी दो, क्योंकि वैरायटी बनाना है ना, फिश मतलब क्या, चावल का पहाड़ बना दिया, दाल बनाया नहीं। कोई भक्त बोलता है अरे आज फीस्ट बनाइए प्रभु जी, बैठिए खिलाता हूँ, खिलाओ, प्लेट भर दिया उसमें पूरा चावल डाल दिया, और क्या है, यही तो फीस्ट है। फीस्ट मतलब क्या, बहुत सारा प्रसाद दिया ना आपको पूरा पहाड़ बना के, पानी है बाहर। तो स्वरूप दामोदर ने बोला सब व्यापारियों को कि चार चार मुट्ठी जो भी वेराइटी है सब देते रहे, सबसे लेके कुकिंग हुआ, तब तक महाप्रभु आए, भगवान को भोग लगा। महाप्रभु बोले कि वाह कितना सुंदर फीस्ट है, चलो सब लोग बैठ जाओ मैं बांटूंगा। और महाप्रभु अपने हाथ से उठा के जब देते थे, एक बार देते थे तो पांच आदमी खा जाएंगे इतना डाल देते थे, खाएगा कौन हा? और फिर महाप्रभु सबको देते जा रहे हैं लेकिन कोई खा ही नहीं रहा, सब बैठे हैं, कैसे खाएंगे जब भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं पा रहे हैं प्रसाद, तो ये लोग कैसे पाएंगे। तो फिर स्वरूप दामोदर आए, बोले आप बैठ जाइए, मैं सर्विंग करता हूँ, मैं सबको बांटता हूँ, आप बैठिए प्रसाद प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बैठेंगे कोई प्रसाद नहीं पाएगा। और फिर महाप्रभु स्वयं बैठे और प्रसाद पाने लगे, और वहां से सब बोल रहे हैं जो भी सर्वर हैं, इसको दो इसको, और ये वाला ज्यादा दो इसको, ये वाला ज्यादा दो उसको, ये वाला ज्यादा दो, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने सेम ऐसा ही, प्रभुपाद जी का भी एक लीला है लॉस एंजलिस मंदिर में, ऐसा ही लंबा मंदिर है लॉस एंजलिस का, अरे वहां पे भी द्वारकाधीश है, यहां पे भी द्वारकाधीश है, देखो टेंपल का स्ट्रक्चर भी लंबा है लॉस एंजलिस जैसा। तो देखो कितना कोइंसिडेंस, भगवान का अरेंजमेंट है। अब प्रभुपाद जी जैसे वहां बैठे हैं ऐसे बैठे थे टेंपल हॉल में, दर्शन बंद, प्रसाद चल रहा है, दोनों तरफ भक्तों की पंक्तियां लगी हुई, अब प्रभुपाद जी अपना प्रसाद ले रहे हैं आसन पे बैठ के। प्रभुपाद बोलते इसको ये दो, इसको पूड़ी दो, इसको हलवा दो, इसको रसगुल्ला दो, प्रभुपाद ऑर्गेनाइज करवा रहे वहां से, इसको और दो, इसको और दो। तो यहाँ पे महाप्रभु वही कर रहे हैं। और फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, इतना सुंदर एक श्लोक कहते हैं यहाँ पे, महाप्रभु कहते हैं कि जिस किसी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह आशीर्वाद दिया, जिस किसी ने श्री हरिदास ठाकुर के इस विजय उत्सव को देखा है, जो उस समय संपन्न किया, क्या बोलते हैं विजय उत्सव, क्योंकि सबसे बड़ी विजय वही है जब जीव यहां से भगवत धाम जाता है। कितनी रुकावटें हैं, पहले तो यहां संसार में कितनी रुकावट है, फिर समाज, फिर हजारों चीजें यहाँ पे आती, यहाँ से उठ के थोड़ा जाएगा विरक्ति लेके तो वैकुंठ जाने का जो रास्ता है वो बृहद भागवत अमृत में बताया। ऐसा नहीं कि कोई गुफा है और चले जाओ वैकुंठ पहुँच जाओगे, लेकिन रास्ता मतलब जो सारे लोगों से होके आपको लेके जाया जाएगा, मन में कोई इच्छा तो नहीं है, टेस्ट किया जाएगा तो आपको लेके जाएगा स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक दिखाते हुए आप देखा,
नंदन कानन बहुत सुना था लेक्चर्स में, नंदन कानन के बारे में इतना सुंदर है। क्या होगा पता है आपका, नंदन कानन में छोड़ के वो वैकुंठ को विमान गायब हो जाएगा। इच्छा हो गई ना, यहीं रहो अभी, तुम जा नहीं सकते। और क्या क्या सुना है स्वर्ग लोक के बारे में वो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा याद करेंगे तो और ज़्यादा फंसेंगे। फिर कोई कोई भक्त होते हैं, मेरे को ना एकदम, मेरे को बस तपस्या करनी है, मेरे को अपना जप करना है, मुझे मत बोलो ये सेवा करने के लिए, मुझे बस अपना सेवा, अपना तपस्या करना है। तो फिर वो तपोलोक में फंसेगा, क्योंकि वहाँ पे तो सब लोग तपस्या कर रहे हैं, तो उसको याद आ जाएगा यही तो मैं चाहता था। मैं कितना बोला अमोघला प्रभु को मुझे तपस्या करना है, तपस्या करना है, अब मुझे वो लोक मिल गया जहाँ तपस्या ही करूँगा। इधर तो प्रेसिडेंट भी बोलता है तपस्या करो, तो वहाँ फंस जाता है। कुछ भक्त होते हैं, हमको हर चीज़ सतोगुण चाहिए, हमारा जो स्मार्टफोन होगा ना वो भी सतोगुणी होना चाहिए, हमारा लैपटॉप भी सतोगुणी, प्रसाद हमारा रूम सब सतोगुणी होना चाहिए, तो वो भी एक लोक में फंस जाएगा। तपलोक जनलोक महरलोक, कहीं ना कहीं ये सतोगुण वाले यहाँ फंसेंगे। ब्रह्मा जी के लोक में मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, हाँ, और गंधर्व लोक आएगा। कुछ भक्त होते हैं बहुत अलग अलग वैरायटी से मृदंग बजाना, अलग अलग वैरायटी से करताल बजाना, तो फिर गंधर्व लोक में आप देखोगे, और सब गाते तो कृष्ण का ही कीर्तन है ना, गंधर्व लोक में अलग अलग वीणा बजा रहे हैं, अलग अलग जो वैदिक इंस्ट्रूमेंट है वो बजाए जा रहे हैं, तो वो वहाँ फंस जाता है। फिर ब्रह्मलोक में भी बहुत फंसने के आसार है ना, सब तो भक्ति में लगे हैं ना, ऐसा दिखता है। फिर ब्रह्मलोक से जैसे तैसे मन बुद्धि अहंकार शरीर खत्म करते 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 निकलेंगे आप ब्रह्मांड से, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सामने दिखेगी विरजा, बस विरजा को पार करेंगे उधर शंभू जी बैठे हैं, हाँ, कैलाश पर्वत जो है वो तो विरजा के उस पार है, वहां से वैकुंठ चालू हो गया। लेकिन विरजा क्रॉस करने से पहले वहां पे एक ऐसा जैसे समुन्द्र का बीच होता है ना, जैसे जुहू बीच है, ऐसा बीच है, और वहां पे रंग बिरंगी तंबू लगे हुए हैं, और आखिरी परीक्षा वहीं होती है। उस जगह पे कौन बैठे रहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अभी ये तो छूटे नहीं ना, तो फिर वहां फंस जाता है जी। तब जाके अगर वहां से निकला, प्रभुपाद जी के गुरु के महाप्रभु के चरणों को पकड़ के रखा है, कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और मायावादियों का नेति नेति प्रिंसिपल उनके ऊपर ही लगाने का, नहीं चाहिए ये, तब आप वैकुंठ जाते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं ये विजय उत्सव है, क्योंकि असली विजय जीव की तभी होती है जब वो वापस भगवत धाम पहुंचता है, नहीं तो उसका पराजय ही होता है। यहां पे जिस किसी ने यहां कीर्तन और नृत्य देखा, नृत्य किया, विजय उत्सव देखा, कीर्तन किया, नृत्य किया, जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली, मान लीजिए कोई देखा नहीं, लेट आ गया, अरे क्या कीर्तन चल रहा है, आओ देखे महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन देखा, कोई कीर्तन में भी नहीं पहुंच पाया, थोड़ा लेट पहुंचा, होता है मुझे कमर में दर्द है, मैं नाच नहीं पाऊंगा आज, ठीक है बालू तो डाल दो, वो भी महाप्रभु बोलते चलो, जिसने वो भी किया, जिस किसी ने मान लो कोई पहुंचा ही नहीं, कोई इधर बिजी, कोई उधर बिजी, कोई इधर बिजी, लेकिन एक मंत्र है जिसको उच्चारण करने से सारा संसार वहां आ जाता है, हाँ, जैसे गुड़ की तरफ चींटी आती है या मक्खी आती है, वो मंत्र है महाप्रसादे गोविंदे, हाँ, सब पूर्ण जागृति हो जाती है, पूरे इंद्रियों की जागृति हो जाती है, जैसे भक्ति में पूर्ण इंद्रियों की जागृति होती है, ये मंत्र सुन के सारी जागृति हो जाती है। तो महाप्रभु कहते हैं जिस किसी ने प्रसाद ग्रहण किया उस उत्सव में, लेट आए होंगे, मिलते हैं ऐसे लोग सिर्फ प्रसाद के लिए आते हैं, इस्कॉन में आपने देखा होगा लेक्चर सुनने में 200-300 लोग आएंगे, संडे फीस में प्रसाद 800 लोग को बनाओ तो भी कम पड़ता है, हा? लेक्चर में तो 300 थे, 800 का प्रसाद कैसे कम पड़ गया। तो महाप्रभु बोलते चलो उनको भी दिया, उससे शीघ्र ही
कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, शीघ्र कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। हरिदास ठाकुर के दर्शन में ऐसी अद्भुत शक्ति है। अब कोई बोल सकता है कि अब ना तो मैं वहां था, ना मेरा जन्म हुआ था, अब मैं क्या करूं। तो प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रभुपाद, हमारी गुरु परंपरा, हमारे जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, इन सब के आशीर्वाद से वही कृपा हमें भी मिल सकती है। क्योंकि वही अगर ये श्रवण करेंगे या अध्याय का, तो वही मिलेगा जो उन भक्तों को मिला। शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, हरिनाम जप करना, नित्य करना, कीर्तन करना, प्रसाद पाना, इसी में भगवत धाम निकल जाएंगे। जरूरी नहीं कि भगवान को स्वयं आके आपको गीता सुनाना पड़ेगा। भगवान के प्रतिनिधि जो परंपरा में आ रहे हैं, उनसे भी अगर श्रद्धा पूर्वक गीता सुनोगे, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से सुनी, तो भगवत धाम निकल जाएंगे, गीता समझ में आ जाएगी। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके हरिदास ठाकुर का संग दिया, और वही कृष्ण तो स्वतंत्र हैं, उन्होंने वो संग वापस ले लिया। भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और छह ऐश्वर्यों में भगवान का एक ऐश्वर्य क्या है? रिनंसिएशन, वैराग। तो बाकी पांच ऐश्वर्य हम देखते हैं तो हमको लगता है ये भी मिलेगा क्या, ये भी मिलेगा, मैं भगवान काम छू। तो भगवान बोलते हैं 5 पे 1 फ्री, तो वैराग भी दे देते हैं। एक बार वो भगवद गीता के श्लोक पे हम कथा कर रहे थे, योग अक्षेमम महाम्यहम, कि जो तुम्हारे पास नहीं है मैं ला के दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो बड़े भक्त खुश हो जाते हैं, कोई भी हो खुश हो जाता है, अरे जो है वो तो हमारा है, जो नहीं है वो भी हमारा हो जाएगा, जो तिजोरी में है वो तो अपना है, जो तिजोरी के बाहर है वो भी अभी तिजोरी में आ जाने वाला है। भगवान कितने कृपालु हैं। लेकिन आप लोग एक बात हम लोग भूल जाते हैं, हा? जब योगक्षेम महाम में हम बोल रहे हैं तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 0.5% विरक्ति है, बाकी 99.5 यानी 99.5% विरक्ति मैं लेके आऊंगा, और जो 0.5% है उसकी रक्षा करूंगा। अरे ये क्या हो गया, तो ये भी कृष्ण ही देंगे ना। तो विरक्ति भी हमको इस संसार से कौन देंगे? कृष्ण देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नित्य अभियुक्ता नाम तेषाम सतत युक्ता नाम भजन में लगना पड़ेगा। तो अगर हम वहां नहीं थे तो हमको मिल जाएगा, और स्वतंत्र इच्छा से अगर भगवान कुछ भी कर रहे हैं, भगवान गीता में ये सब कहें, हाँ वो क्या है, यदृच्छया लाभ संतुष्टो, जो मिला उसमें संतुष्ट होना, जो भगवान ने वापस ले लिया उसमें भी संतुष्ट होना बहुत मुश्किल है। हाँ ये छोटा सा श्लोक है लेकिन बहुत मुश्किल है इसको समझना और अप्लाई करना, कि जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहूं और जो भगवान ने ले लिया तो भी संतुष्ट रहूं। ऐसे लोगों को हरि मिलते हैं, जब भगवान देखते हैं इसको कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं जब बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है क्यों रो रहा है, भूख के कारण रो रहा है कि उसको खिलौना चाहिए। कभी कभी बच्चे ऐसे ही रोते हैं अट्रैक्शन, अटेंशन के लिए। बच्चे जो होते हैं वो अटेंशन सीकर्स होते हैं। आप कभी भी देखना छोटे बच्चे के साथ कोई खेलेगा नहीं, वो रोना चालू करेगा, बिकॉज ही वांट्स अटेंशन। लेकिन माँ कभी खिलौना देती है, कभी ये देती है, घर का काम करना है, लेकिन बच्चा कभी सब रिजेक्ट कर देता है, खाना भी नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तब माँ समझ जाती है इसको कुछ और नहीं चाहिए, घर का सारा काम छोड़ के अपनी गोद में ले लेती है कि इसको सिर्फ माँ चाहिए। तो हमें कृष्ण को विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने दृढ़ता से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, तब कृष्ण मिलेंगे। तो बच्चा दृढ़ता दिखाता है अपनी माँ को दृढ़ता पूर्वक,
वो निश्चय कर लिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ चाहिए। और संसार के लोग भी निश्चय कर लिए हैं कि मुझे सिनेमा चाहिए। सात प्रकार की माएं होती हैं, लेकिन ये आठवीं माँ जो है ना, ये गोद में बैठा के जहर खिलाती है, फिर भी हम चले जाते हैं इसकी गोद में। ये है सिनेमा। संसार में लोग परेशान हैं, लॉकडाउन में कुछ करने को नहीं, बोर हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा भगवद गीता पढ़ लो, लेक्चर सुन लो, थोड़ा जप कर लो। नहीं नहीं, तो बोर हो रहे तो क्या करेगा? टीवी देखेगा। और टीवी तो बड़े आश्चर्य की बात होती, दो घंटा टीवी देखेगा, बोर हो रहा हूँ प्रभु जी क्या करूँ, टीवी देख लेता हूँ। टीवी देखने का दो घंटे बाद आएगा, कितना बोरियत लग रहा है जीवन में, अभी टीवी क्यों देखा। तो वही है, पुनः पुनः चर्विता नाम। जब हरिदास ठाकुर ने भौतिक जगत छोड़ना चाहा तो उन्हें रोक पाना मेरी शक्ति से बाहर था, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और हरिदास ठाकुर की जय हो, इस कीर्तन से महाप्रभु ने वो विजय उत्सव संपन्न किया। तो कितना शुभ दिन है हमारे लिए, और हम कितने भाग्यशाली हैं, जो भी जीव प्रभुपाद की संस्था से जुड़ा हो कितना भाग्यशाली है। क्योंकि हमारे आचार्यों का प्रोफाइल तो देखो, प्रोफाइल वर्ड यूज करते हैं ना लोग बाहर के, हमारे कोई भी आचार्य का ले लो, वो करते हैं ना अकड़म बकड़म बम्बे बो, कुछ चुनना होता है। जितने आचार्य हमारे कोई भी, जहां उंगली रखोगे उनका प्रोफाइल देखो आप। वो एक भक्त थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिनको कहा गया कि अब तुम दीक्षा देना चालू करो। ठीक है, जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसको दीक्षा दे दूंगा। नहाने गए, एक तैरता हुआ शरीर आ रहा है, ठीक है यही आया, इसको दीक्षा दे दिया, जीवित कर दिया। ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य, और कोई भी आचार्य ले लो आप। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो प्रभुपाद जी के संस्था से जुड़े हैं कि ऐसे आचार्यों का संग मिल रहा है हमको। भगवान कृष्ण, भगवान राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जिस संप्रदाय को उन्होंने चुना, हम उस संप्रदाय में हैं, जहां पे माधुर्य भक्ति को ऐसे बांटा गया है, औदार्य के रूप में दिया गया माधुर्य को। तो कई बार भक्त लोग हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र को हम सोचते हैं हरे कृष्ण महामंत्र उद्धार, हमारा उद्धार हो जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, फिर और कुछ करेंगे। ये हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक में भी जप करना है। तो इतना सौभाग्य है ऐसे आचार्यों का हमको, इनके बारे में सुनने को मिल रहा है, और जिनके श्रवण से हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है। कल भक्तिनो ठाकुर का आविर्भाव था, उसके पहले वामन द्वादशी और जीव गोस्वामी का आविर्भाव था। कुछ ना कुछ फेस्टिवल देखिए, हमारे इस्कॉन में कुछ ना कुछ गौड़ी वैष्णव परंपरा में फेस्टिवल आते ही रहते, आते ही रहते। और उस दिन उन आचार्यों का हम कितने भी, वो बोलते हैं ना बच्चा तोतला भी बोलता है ना तो माँ बाप को सुख देता है, लेकिन तोतला भी तो कुछ तो बोले ना। तो हम सब ऐसे ही हैं, तोतले हैं, छोटे से हैं तोतला भोती में, कुछ हरे कृष्णा बोल लेते हैं, अभी कुछ बोल लिया हमने, लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ बैठे बैठे मुस्कुराते हैं कि चलो बोल तो रहा है ना। संसारी चीजों को ना बोल के, कुछ क्षमता नहीं है, बैठा दिया गया इसको आसन पे, क्षमता नहीं है, फिर भी बोल तो हरिदास ठाकुर के बारे में रहा है ना। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराते हैं, अब वह यहाँ से प्रभुपाद जी मुस्कुराएंगे, यहाँ से कृष्ण मुस्कुराएंगे, हो गया। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ गुरु, बीच में आप फंस गए, उधर हो गया। तो बस कुछ प्रयास करना चाहिए, और उद्धार का सबसे शॉर्टकट तरीका है कि प्रभुपाद जी की संस्था के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ भी है। और आप बुद्धि लगाइए, सोचना चाहिए, हर हफ्ते बैठना चाहिए आधा घंटा निकाल के कि इस हफ्ते मैंने प्रभुपाद की इस्कॉन सोसाइटी के लिए क्या किया, क्या
क्या मेरा योगदान रहा और अगले हफ्ते मैं क्या करूंगा, प्लानिंग करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। भले कोई भक्त आके, उम्र हो गई कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है आके चरणामृत बांट दिए, आके थोड़ा मंदिर में झाड़ू लगा दिए, 1 बजे मंदिर होता है, वो भी सही, लेकिन कुछ प्रभुपाद जी के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री हरिदास ठाकुर की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर तिरुबा महामहोत्सव की। हम अनुरोध करेंगे कि प्रभु जी कुछ ऐड करें। श्री प्रभुपाद की।